सौर दिवस के मौके पर हिंदू सेना द्वारा लोयाबाद से रणधीर वर्मा चौक पर भव्य बाइक जुलूस निकाले गए। नेतृत्व हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष मंटू चौहान कर रहे थे। संबोधन में हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष मंटू चौहान ने कहा कि संतों ने 6 दिसंबर को सौर दिवस का नाम दिया है एवं संतों के मार्गदर्शन में रैली का आयोजन किया गया है एवं कहा कि केंद्र सरकार राम मंदिर के मुद्दों पर अभी तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाई है। राम मंदिर को लेकर राजनीतिक जोरों शोरों से चल रही है जो एकदम बर्दाश्त के बाहर है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण नहीं किया गया तो भाजपा सरकार को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। दिवस है इस दिवस के अवसर पर पूरे हिंदुस्तान को मैं हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं मांग करती हूँ कि अध्यादेश लाओ और राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाओ। ये मेरा सबसे पहले इस अवसर पर मांग है कि अध्यादेश लाओ, संसद में पास करो, राम मंदिर बने। राम मंदिर बनाने के लिए हम सब अपने अपने घरों में हैं और अपने घर से निकलेंगे, हमारे हिंदुस्तान के लोग निकलेंगे और मेरा राम मंदिर बनेगा क्योंकि हमारे सबके छत पर छत है, हमारे सबके सर पर छत है। हम लोग एक दिन अपने से खुद मजबूर होकर तलवार उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे और अपना मंदिर बनाने का काम करेंगे। आज सौर्य दिवस का शुभ मौका है। आज हम लोग तमाम हिंदू सेना धनबाद के जितने भी कार्यकर्तागण हैं इस रैली को निकाले हैं क्योंकि आज एक भारत के माथे के ऊपर से बहुत बड़ा कलंक मिटा था, वो था बाबर का मस्जिद जिसने जबरन भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद स्थापित की थी। 1992 में 6 दिसंबर को कार सेवकों ने जिस तरह से अपना शौर्य दिखाया था उस तरह से उसी चीज को मनाने के लिए हम लोग आज शौर्य दिवस पर इस रैली को आए हैं और चाहते हैं सरकार से कि अयोध्या में जल्द से जल्द भगवान राम का भव्य मंदिर बने और गाँव में 2019 में जो लोकसभा चुनाव आएगी उससे पहले अगर राम मंदिर की नींव नहीं रखी गई तो सरकार को काफी कठिनाइयों का